हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक यूनिक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और इसको आप इजीली किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हम बॉयल पोटैटो लेंगे। आलूओं को मैंने उबाल के छील करके इस तरीके से इनको मैश कर लिया है। इसमें हाफ टी स्पून या फिर स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च या फिर रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च पाउडर है इसको भी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ये आमचूर पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो लेमन जूस भी इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून ये कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टी स्पून ये चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हाफ़ टी स्पून ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं आपके पास में हैं तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये कटे हुए प्याज है इसको भी ऐड कर देंगे, प्याज को ऐड करने से स्नैक में क्रंचीनेस आएगा, ये थोड़े से कटी हुई धनिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा मिक्सचर बन के रेडी होगा। एक बार आप स्नैक को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्सचर बन के एकदम तैयार है, इसको साइड से रख देंगे, तब तक इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक बॉल लिया है, इसमें ये आधी कटोरी बेसन डालेंगे और बेसन से आधा ये मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ये नमक और थोड़ी सी ये काली मिर्च है और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जो मसाले हैं वो मिक्सचर में ऐड कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे, इसी तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि बैटर में लम्स ना रहें। देखिए इसी तरीके से कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है, इसी कंसिस्टेंसी में रखना है, बैटर बन के एकदम तैयार है, इसको साइड में रख देंगे। ये मैंने थोड़ी सी चीज़ ली है, इसको ग्रेट कर लिया है, अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, चीज़ को यूज़ करने से जो इसका टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ये मिक्सचर लिया है और इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको रोल करना है, इसमें जो ग्रेटेड चीज़ है वो फिल कर लेंगे और आलू को इस तरीके से चारों तरफ से प्रेस करते हुए चीज़ को अच्छे से बंद कर लेंगे, इसी तरीके से करना है, ये देखिए, और हल्का सा इनको प्रेस कर लेंगे। मैंने इसको कटलेट की शेप में बना लिया है, देखिए कटलेट बन के एकदम तैयार है, इसी तरीके से मैंने सारे कटलेट को तैयार कर लिया है। ये जो बैटर बनाया था उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसमें जो कटलेट बनाए थे उनको डिप करना है तरीके से, एक बड़ी सी स्पून लेंगे और उसकी हेल्प से इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे, इसी तरीके से कटलेट को कोट करके इसको फ्राई करना है। तेल है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, इसी तरीके से सारे कटलेट को डाल देंगे, और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से कटलेट बनते हैं, ऊपर से बहुत क्रंची हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। इसी तरीके से जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक इनको फ्राई करना है। देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, इसी तरीके से देखिए सिक चुके हैं, इसी तरीके से आपको सेकना है इनको, और इसको मैं निकाल ले रही हूँ।
देखिए, इसी तरीके से सारे कटलेट को फ्राई करके टिश्यू पेपर पे डाल लेंगे, जिससे इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लीजिए, गर्मा गर्म स्नैक बन के रेडी है। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। इस तरीके से आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिनसे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।